Hello and welcome back to my channel. So today we will discuss about pronouns. Okay, rules and practice day 8. Today we will discuss about pronouns और उससे related जितने भी rules हैं और spotting errors यानी कि PYQ previous year में जो questions पूछे गए हैं उन्हें हम यहाँ पर discuss करेंगे. So first of all, what is pronoun? Pronoun a word which is used instead of a noun or noun equivalent. ठीक है, इक्विवेलेंट मीन्स उसके इक्वल. ओके, एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह पर यूज किया जाता है. ठीक है, क्लास 1 से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं. ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि प्रोनाउन होते क्या हैं. सो नाउ द टर्म ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की, कौन कौन से, लाइक आई, यू, ही, मी, देम आदि. ओके, इनका जो ऑर्डर होता है, कौन सा ऑर्डर इनका होता है, 2 3 1, यानी कि सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, लाइक यू, ही एंड आई. ठीक है, यू सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन एंड आई फर्स्ट पर्सन. तो ये पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर होता है. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं. लेकिन जब बात की जाए, जैसे कोई भी मिस्टेक है या किसी भी गलती को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसके ड्यूरिंग हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं, ऑर्डर 1 2 3. ओके, लाइक आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, यू यानी कि सेकंड पर्सन एंड ही थर्ड पर्सन हैव कमिटेड अ सिन. ठीक है, किसी भी भूल को, किसी मिस्टेक को और किसी सिन को जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो ऑर्डर 1 2 3 यहाँ पर अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो आई होप कि ये पर्सनल प्रोनाउंस आपको क्लियर हुए होंगे. नेक्स्ट की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, लाइक ईच, ईदर, नीदर. ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आते हैं. एग्जाम्पल के लिए, ईच ऑफ द 2 बॉयज और ईच ऑफ द 3 बॉयज. यानी कि क्या इससे क्लियर है ना कि जो ईच का यूज होता है वो किस लिए होता है, ईच का यूज दो या दो से ज्यादा के लिए यूज हो सकता है. ईच ऑफ द 2 बॉयज एंड ईच ऑफ द 3 बॉयज. ओके, ये क्लियर हुआ आपको? तो और लेकिन इसमें एक और चीज है कि ईच का यूज तो दो या दो से ज्यादा के लिए हो सकता है, लेकिन इधर और नीदर, अब ये यहाँ पर हमें क्लियर करना है कि जो इधर और नीदर है उनका यूज सिर्फ दो के लिए होता है, लाइक इधर ऑफ दीज 2 बॉयज या फिर नीदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स. ठीक है, दो से ज्यादा के लिए इनका यूज नहीं होता, इधर और नीदर का, जबकि ईच का यूज दो या दो से ज्यादा के लिए हो सकता है. ओके, नेक्स्ट प्रोनाउन की बात करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. ठीक है, एग्जाम्पल ईच अदर, वन अनदर. ये जो ईच अदर वन अनदर है, लास्ट जो प्रीवियस ईयर 2021 में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, तो इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे. ओके, सो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के एग्जांपल लाइक ईच अदर, वन अनदर. फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मींस लाइक दिस, दैट, दीज, समबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन. ठीक है, एंड फिर बात आती है रिफ्लेक्सिव की, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ. ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट आता है एम्फेटिक यानी कि वे वर्ड. एम्फेटिक प्रोनाउंस यानी कि वे वर्ड्स, जो ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन इनमें हम सिर्फ एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से वर्ड्स यूज होते हैं. लाइक रिलेटिव, अगर रिलेटिव की बात करें तो लाइक हु, विच, है ना. और इसी तरह से जब किसी थिंग के बारे में बात की जाती है तो दैट, ओनली, नन, ऑल, इन सब का यूज एम्फेटिक प्रोनाउंस के लिए होता है. ओके, नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी लाइक वॉट. जिन सेंटेंस में वॉट आए तो उसमें एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है. ओके, सो नाउ द टाइम ऑफ टू डिस्कस स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोनाउंस व्हिच जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, रीड करेंगे ध्यान से, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉन्ट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ. की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रीड केयरफुली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो रही है. ठीक है, यहाँ पर जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कलेक्टिव नाउन नहीं है, इसको ध्यान से देखो. यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और प्लूरल नंबर में है. ठीक है,
यानी कि यहाँ पर सदस्यों का बोध हो रहा है, और इसके साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज हुई है, प्लूरल, वॉन्ट, वॉन्ट, वॉन्ट्स नहीं यूज हुई है, वॉन्ट्स होती तो सिंगुलर फॉर्म होती, प्लूरल यूज हुई है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉन्ट, ठीक है यहाँ तक सही है, क्योंकि सदस्यों का बोध हो रहा है, मेंबर सदस्यों का बोध हो रहा है, कलेक्टिव नाउन नहीं है, ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज अलाउंस फॉर इट सेल्फ। अब आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे इसको, इट सेल्फ, ठीक है, इट सेल्फ का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, देम सेल्फ, ठीक है, ये इट सेल्फ यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका यूज रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, इट सेल्फ की जगह क्या होगा, देम सेल्फ, तो आंसर क्या होगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉन्ट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज अलाउंस फॉर देम सेल्फ। ओके, क्यों होगा, हमें हमेशा ये याद रखना है कि जो फैमिली, क्राउड, गवर्नमेंट, कमेटी, ज्यूरी, ऑडियंस, टीम और पब्लिक, इस तरह के जब कलेक्टिव नाउन्स के रूप में होते हैं तो इनके लिए जो प्रोनाउन है वो इट सेल्फ इस तरह से यूज होते हैं, क्योंकि ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, लेकिन जब प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो वहां पर देम सेल्फ का यूज होता है। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह से प्रोनाउन्स को हमें यहाँ पर देखना है, पहचानना है और यूज करना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक द टीम हैज शोन इट्स एबिलिटी, ठीक है, टीम हैज शोन इट्स एबिलिटी, ठीक है, टीम की बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन है, बिल्कुल करेक्ट है कि टीम ने अपनी एबिलिटी को दिखाया, ठीक है, ये करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे, क्योंकि टीम इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है, इसकी वर्ब जो हैज, वो भी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, इट्स यानी कि जो कौन सा प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन को डिनोट करता है, तो इसलिए ये करेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे नाउन जिनसे उनके मेंबर का बोध हो, ठीक है, या फिर जिनका यूज नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में, क्या कल भी हमने डिस्कस किया था ना, मल्टीट्यूड क्या होता है, ऐसे नाउन जो किसी पर्सन और थिंग का बोध कराते हो, ठीक है, तो इन प्रोनाउन्स के लिए दे, दैम, दियर, देमसेल्व्स का यूज होता है। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, द टीम वर फाइटिंग, ठीक है, यहाँ पर टीम और उसकी वर्ब एज अ सिंगुलर नाउन यूज हुआ है, कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पर टीम एज अ सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन वर्ब, वर्ब क्या है, यहाँ पर वर्ब, वर्ब है, किस तरह की वर्ब है, प्लूरल है, तो जब यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ जाती है तो यहाँ पर जो हमारा प्रोनाउन होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, तो प्रोनाउन प्लूरल यहाँ पर होगा, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, नो एरर, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पुटअप किए गए हैं, तो हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यू एंड आई, ठीक है, यू दिया गया है एंड आई दिया गया है, फर्स्ट सेकेंड पर्सन का यूज हुआ है, हैव डन माई बेस्ट, माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, एरर देखो समझ आ गया होगा, इजी है ना, माई, माई यूज किया गया है, तो कैसे, माई के बदले किसका यूज होगा, आवर का यूज होगा, ठीक है, किसका, तो आंसर क्या होगा, यू एंड आई हैव डन आर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। हमेशा हमें ये याद रखना होगा कि अगर अगर दो या दो से ज्यादा प्रोनाउंस एंड से जुड़े हों, ठीक है, अगर किसी वाक्य के जो दो या दो से नाउन है वो एंड से जुड़े हों, प्रोनाउन किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हों, ठीक है, तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर हम कुछ प्रोनाउंस देखेंगे, उनके बारे में रीड करेंगे कि किस तरह से प्रोनाउंस का यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोनाउंस एंड से जुड़े हैं, तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रोनाउंस अस, अवर, आवर सेल्फ होगा, कैसे होगा, एक बार इसको ऐसे समझेंगे, यू एंड आई के लिए हम ये प्रोनाउंस यूज करते हैं, कौन कौन से, अस, अवर और अवर सेल्फ, ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर सेंटेंस में यू एंड ही का कॉम्बिनेशन आया है, एंड से कनेक्टेड है, इस तरह के दो प्रोनाउंस, तो हम कौन से प्रोनाउन यूज करेंगे, यू, योर या योर सेल्फ, ठीक है, यू एंड ही के कॉम्बिनेशन के लिए, और ही एंड आई, ठीक है, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आया है, तो अस, अवर और अवर सेल्फ का यूज करेंगे, एंड अगर यू, ही एंड शी का यूज हुआ है, तो यू, योर और योर सेल्फ का यूज करेंगे, योर सेल्फ नहीं, योर सेल्फ, सेल्फ, ठीक है, वी ई एस कर लीजिएगा इसे,
ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, VES, लेट मी करेक्ट देम, इसको ठीक कर लेते हैं एक बार, तो योर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन प्रोनाउंस का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये प्रोनाउंस यूज हो जाते हैं। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं कि अगर सेंटेंस में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का कॉम्बिनेशन है, तो यू, योर और योर सेल्फ का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर, नो एरर, ओके। सो आइडेंटिफाई इन दिस क्वेश्चन द एरर, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर, नो एरर। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए, उसके एफर्ट्स लाएंगे ज्यादा सक्सेस देन योर की तुम्हारे। अब यहाँ पर इस योर को ध्यान से देखिए, योर का यूज नहीं होगा, इसके बदले योर्स यूज होगा, क्यों? क्योंकि दोनों ही यू के पजेसिव फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब देखो कि जो पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में योर होता है, इसके बाद हमेशा एक नाउन होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई नाउन नहीं है, तो अगर नाउन नहीं है तो सिर्फ योर्स का यूज होगा, ठीक है, सिर्फ पजेसिव प्रोनाउन के रूप में योर्स का यूज होता है, और इसके बाद कोई नाउन यहाँ पर नहीं होता। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि अगर योर है तो इसके बाद नाउन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाउन नहीं, यहाँ पर हम क्या, प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में योर्स का यूज कर लेंगे और उसके बाद हमें नाउन की जरूरत नहीं होगी, तो योर का क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस than yours, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज योर वर्क, यहाँ पर ये कर लेंगे, इसको करेक्ट कर लेंगे than yours, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर योर होगा तो नाउन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर जो करेक्ट प्रोनाउन होगा योर्स हो जाएगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज योर बुक, ठीक है, कि ये तुम्हारी बुक है, योर, योर के बाद एक नाउन है, ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ये नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, दिस इज योर बुक एंड दिस इज योर बुक बट दैट इज माइन, ठीक है, दिस इज योर बुक बट दैट इज माइन। अब यहाँ पर जो है, दिस इज योर बुक, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, इसी सेंटेंस में क्लियर करते हैं कि इस सेंटेंस को यहाँ से दोबारा इसको लिख लेते हैं, दिस इज योर बुक, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ हम देखेंगे कि जिसमें पजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा, तो उसको कैसे यूज करेंगे, यस दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स, इसमें नाउन की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर क्या, योर्स का यूज पजेसिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है, इसलिए नाउन की कोई जरूरत नहीं है, और ये इसका मीनिंग क्लियर है, दिस बुक इज योर्स, कि ये बुक तुम्हारी है, और इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज योर बुक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से योर और योर्स का यूज करते हैं। योर्स कहाँ आएगा, जहां पर योर्स के बाद नाउन नहीं होगा, उसको नाउन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर योर है तो उसके साथ नाउन होगा। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज योर बुक बट दैट इज माइन, यानी कि माइन, या यहाँ पे जो माइन है वो माई बुक को डिनोट कर रहा है, माई बुक यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान से देखिए, माई बुक पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है, ठीक है, जो कि पजेसिव प्रोनाउन से यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया गया है। अब और भी देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अभी और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यस, लाइक माई माइंड, ओके, दिस इज योर बुक बट दैट इज माइंड, माइंड, माई, माई के लिए माइन यूज हुआ है कि मेरी बुक है। नेक्स्ट, अवर, अवर्स, ठीक है, अवर, अवर्स, इसी तरह से हिज, हर, हर्स, दियर, दियर्स, ठीक है। अब ये जो अवर, हिज, हर, दियर, ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, और ये जो है ये पजेसिव प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ये वाले जो हैं ये किस लिए काम करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में,
और पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कौन से, जो स्टार्टिंग में हमने लिखे हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं इसको लिख देती हूँ कि ये पजेसिव, आप इनको नोट कर लेंगे, माइन, अवर्स, हिज, हर्स, दियर्स। और जब ये यूज होते हैं ना, इनको नाउन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। और ये जो इधर है, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, ये है पजेसिव, सॉरी, ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं और ये है पजेसिव एडजेक्टिव। ये मैंने थोड़ा सा उल्टा इसको बोल दिया है, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा करेक्ट फॉर्म, क्या हो जाएगी, ये है पजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन। और ये इधर, ये जो लाइन है, माई, अवर, हिज, हर, दियर्स, ठीक है, ये है एडजेक्टिव्स। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है, इनको हम बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव्स। ओके, यस, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू दियर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज। की एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, की हर एक टीचर और हर एक स्टूडेंट इस कॉलेज का डिटरमाइंड है, यानी कि दृढ़ निश्चय कर लिया है उसने, टू डू दियर बेस्ट, कि वो अपना बेस्ट करेगा, द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज। प्रीवियस ईयर में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो सीधा सीधा हमें देख के समझ आता है कि जो यहाँ पर दियर है, क्योंकि सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, एवरी का यूज हो और सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। अब ये जो एवरी है, एवरी टीचर, एवरी स्टूडेंट, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट की बात हो रही है, प्रत्येक टीचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको सिंगुलर माना जाएगा, और इसमें फिर वर्ब भी सिंगुलर होता है, ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड, देखो वर्ब यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। टू डू दियर बेस्ट फॉर दियर, अब ये क्या है, ये तो सिंगुलर नहीं है, तो ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, राइट आंसर हिज, हिज किसके अकॉर्डिंग, एवरी स्टूडेंट और एवरी टीचर, उसके लिए क्या आएगा, हिज, हिज का यूज होगा, ठीक है। अब और अदर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि ईच मेंबर एंड ईच वर्कर हैज गिवन हिज कंसेंट, ठीक है, तो यानी कि किसकी बात हुई है, हर एक, प्रत्येक मेंबर की और प्रत्येक वर्कर की बात हुई है कि हैज गिवन हिज कंसेंट, अपना कंसेंट वो दे चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो कैसा हुआ है, प्रोनाउन पजेसिव सिंगुलर यूज हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात हुई है, एंड से कनेक्टेड है सेंटेंस, एंड वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, दो अलग अलग जगह की बात हुई है, ये मत सोच लेना कि वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चांसलर एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दो अलग अलग पोस्ट वाले मेंबर्स की यहाँ पर बात हुई है, ठीक है, जो कि प्लूरल नंबर में है गिवन, बिल्कुल करेक्ट है, हिज कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। अब यहाँ पर गड़बड़ हो गई है ना, यहाँ पर ये तो आप देखते ही बता देंगे, क्योंकि अभी हम डिस्कस करके आए हैं, हिज, हिज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि प्लूरल नंबर की बात हुई है, तो प्लूरल नंबर के साथ यहाँ पर क्या करेक्ट प्रोनाउन यूज होगा, दियर, दियर, ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। अभी इसके थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, ठीक है, अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं आंसर को। शी हेट्स एवरीबडी, वो हर एक से हेट करता है, एंड एवरीथिंग, हर एक चीज, हु रिमाइंड्स, अब हु किसके लिए आता है, पर्सन के लिए आता है, ठीक है, यहाँ पर हु का यूज नहीं होगा, आंसर तो आपको पता चल गया, लेकिन रूल्स जान लीजिए, रूल क्या कहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी टू एंटेसिडेंट्स होते हैं, लाइक नाउन या नाउन इक्विवेलेंट, जैसे यहाँ पर एवरीबडी और एवरीथिंग का यूज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा, और ये एंड से भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउंस यानी कि दैट का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक तो एवरीबडी यानी कि अगर एक व्यक्ति के बारे में बात की गई हो और एक किसी थिंग के बारे में, चीज के बारे में बात की गई हो, तो वहां पर जो चीज के बारे में बात की गई है ना, उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है, तो थिंग के बारे में, यहाँ पर थिंग के बारे में बात हुई है,
यहाँ पर दैट आएगा तो कैसे हो जाएगा सेंटेंस, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग दैट रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक. ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन थिंग के अकॉर्डिंग आएगा. यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल, नो एरर. नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि नन ऑफ दीज, इन दो प्रिंसिपल में से, हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल, कि कौन देख रहा है अच्छे से कॉलेज को, इसके बाद नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं, है ना. तो नन का यूज यहाँ पर क्या है, गलत है. नहीं, नन यूज नहीं होगा. क्या यूज होगा, नीदर यूज होगा. ठीक है, नीदर ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स. ठीक है, ये तो इजी है, ये तो हमने पढ़ रखा है कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन या थिंग्स की बात हो तो नन का यूज होता है. ठीक है, लेकिन जब सिर्फ टू की बात हो तो वहां पर नीदर का यूज होता है. ये तो हमने अभी पढ़ा है ना, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, नीदर. ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा. इसको एक बार और मैं बता देती हूँ कि नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल, जब दो या दो से ज्यादा की बात हो तब नन का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ टू ही प्रिंसिपल्स की बात हो रही है ना, टू प्रिंसिपल, तो सिर्फ यहाँ, तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, नीदर. नीदर, तो इसका हम ध्यान रखेंगे. यस, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं. नन ऑफ द थ्री फ्लावर्स इज रेड. ठीक है, दो से ज्यादा की बात हो रही है ना, थ्री फ्लावर्स, तो नन का यूज करेक्ट होगा, लेकिन अगर दो की बात हो रही है तो नीदर आएगा. लाइक नीदर ऑफ द टू टीचर्स इज कॉम्पिटेंट. ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग, नो एरर. ठीक है, ईच ऑफ द, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ईच का यूज हुआ है. ईच ऑफ द फोर्थ ग्रेट, मतलब जो फोर ग्रेट ट्रेजेडीज की बात हुई है ना शेक्सपियर की, उनमें से हर एक के बारे में बात की जा रही इज है. ठीक है, करेक्ट वर्ब फॉर्म है, करेक्ट है, नो एरर, आंसर होगा नो एरर, क्योंकि सब कुछ करेक्ट है. अब सेंटेंस देख लेते हैं, ईच ऑफ द टू मीरर्स. ठीक है, यानी कि उन दो मीरर्स में से दोनों की बात हो रही है, और अलग अलग, जहां पर ईच का यूज हो, करेक्ट वर्ब फॉर्म क्या आती है, सिंगुलर, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब फॉर्म आती है, सेंटेंस सही है. ठीक है, ईच ऑफ द थ्री मिरर्स इज ब्रोकन, जहां पर ईच की बात आ जाए वहां पर सिंगुलर वर्ब फॉर्म का यूज होता है, ये हमने पढ़ रखा है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंडन आफ्टर अ ईयर्स, नो एरर. इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ चुके हैं हम, तो यहाँ पर देखो ये ही प्रोस्ट्रेटेड, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, ही प्रोस्ट्रेटेड की मतलब यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है. अब सबसे पहले इसकी रूल जान लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर बिफोर जो है, बिफोर से पहले जो रिफ्लेक्सिव नाउन है, हिमसेल्फ का यूज होगा. ठीक है, तो प्रोस्ट्रेटेड, जो प्रोस्ट्रेटेड है उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, यानी कि हिमसेल्फ का यूज होगा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है वो अपने साथ क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, ये तो आपको अच्छे से पता है ना. तो क्या हो जाएगा, ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ. रूल जान लेते हैं, रूल्स क्या कहते हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब लाइक एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, कन्फाइन, डिवोटी, सेक्रीफाइस, ये सब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, और जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं ये अपने बाद या तो कोई ऑब्जेक्ट लेती है. ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट आता है या फिर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगी. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे रिफ्लेक्सिव. ही एंजॉयड द पार्टी, इस सेंटेंस में आप देखो, ही एंजॉय, उसने एंजॉय किया, एंजॉय क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उसने अपने साथ क्या लिया, ऑब्जेक्टिव लिया, ऑब्जेक्ट लिया. ठीक है, तो करेक्ट हो गया. Yes. एक और रोल देखते हैं, ही एंजॉयड डैश एट द पार्टी, हिमसेल्फ एट द पार्टी, क्या लिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिया. ठीक है, क्योंकि एंजॉय क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, या तो ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी, उसके बाद आगे बढ़ेगी. ठीक है, तभी उसकी सेंस क्लियर होगी. तो ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, ये अच्छे से मैंने पढ़ाई हुई है, आप पिछली वीडियो पर जाकर इसको देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज, द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोशियस देन यू हैव, नो एरर. द डॉग, कि जो डॉग है आई हैव बॉट, जो मैंने खरीदा था, लुक्स मोर फेरोशियस, बहुत ज्यादा फेरोशियस दिखाई देता है, देन यू हैव, जो तुम्हारे पास है उससे ज्यादा. ठीक है, यानी कि उस डॉग की बात हो रही है जो उसके पास है, तो उससे ज्यादा वो फेरोशियस दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पर देन, द डॉग आई हैव बॉट, ठीक है यहाँ तक ठीक है, द डॉग, वो डॉग आई हैव बॉट, जो मैंने खरीदा, लुक्स, दिखाई देता है, मोर फेरोशियस, ठीक है, देन, देन किससे, यू हैव, देन यू हैव, नहीं, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, देन के बाद क्या यूज होगा, देन के बाद द वन, द वन का यूज करेक्ट होगा. ठीक है, तो
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, द डॉग आई हैव वॉच लुक्स मोर फेरोशियस देन द वन यू हैव। ओके, अभी एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सेंटेंस देखो, दीज न्यू बुक्स आर बेटर देन, ठीक है, ये जो न्यू बुक्स हैं ये बेटर देन दोज ओल्ड वंस, जो वो पुराने वाली हैं, ओल्ड वंस, वंस वंस का यूज हुआ है ना, जो वो पुराने वाली हैं उनसे ज्यादा, ठीक है। अब द वन का यूज यहाँ पर क्यों हुआ है, द वन, और यहाँ पर वंस का क्यों हुआ है, ये अभी हम पढ़ के आए ना, योर योर्स क्यों हुआ था वहां पर, योर का यूज है ना, योर का यूज होगा तो वो अपने साथ नाउन लेगा और योर्स को किसी नाउन की जरूरत नहीं होती है, एज इट इज यहाँ पर भी देखो है ना, तो किसी नाउन की जरूरत नहीं है वंस को, ठीक है। दीज न्यू बुक्स आर बेटर देन दोज ओल्ड वंस, ओल्ड वंस। तो आई होप कि ये सेंटेंस आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही वॉज मच मोर सरप्राइज दैन मी, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखेंगे, ये जो सेंटेंस है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इस तरह के सेंटेंस, टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टूवर्ड्स अस, ही वॉज मच मोर सरप्राइज, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज थी, बहुत बहुत ज्यादा सरप्राइज थी, देन मी, मुझसे ज्यादा, मुझसे, देन मी, यहाँ पर ये जो है ना मी ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो यहाँ पर आई का यूज होगा, ठीक है, देन के बाद ना नॉमिनेटिव केस का यूज होता है। नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं, क्या होते हैं नॉमिनेटिव केस, यानी कि जिनको हम हिंदी में कर्ता कारक बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस, ठीक है, उनका प्रोनाउन यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉमिनेटिव केस है वो क्या है, ठीक है। अब अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो सब्जेक्ट के बीच की, तो वहां पर भी देखेंगे कैसे यूज होगा, लेकिन यहाँ पर जो मी है उसके बदले क्या यूज होगा, आई, क्योंकि नॉमिनेटिव केस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो मुझसे बहुत ज्यादा, ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन आई, आई आई है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। यू आर बेटर देन मी और आई, तुम मुझसे अच्छे हो, अब बताओ इसमें कौन सा करेक्ट होगा, बेटर देन मी होगा या बेटर देन आई होगा, ठीक है। मी क्या है, मी तो ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है ना, मी किसको शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसको कर्म बोलते हैं, कर्म कर, वो यूज नहीं होगा, क्या यू और आई दोनों ही नॉमिनेटिव केस हैं, इसलिए अगर नॉमिनेटिव केस यूज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग नॉमिनेटिव केस ही यूज होगा। इसी तरह से ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन आई, आई यहाँ पर जो करेक्ट यूज होगा क्या होगा, आई का, यानी कि नॉमिनेटिव, आई भी एक नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज तो बिल्कुल गलत है ना, मी अस ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें देखो, जैसे यू है, यू और आई यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है जो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, लेकिन जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस है। अभी एक और एग्जाम्पल हम इससे रिलेटेड देख लेते हैं कि कैसे यूज होते हैं नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव, देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, एक सेंटेंस लिखा, आप उसको ध्यान से रीड करेंगे और समझेंगे कि कैसे यूज होता है, लाइक शी लव्स यू मोर देन मी, ठीक है, सेंटेंस है शी लव्स यू, ठीक है, शी लव्स यू मोर देन मी। अब यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि शी लव्स यू मोर देन आई भी यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर शी लव्स यू वो तुम्हें प्यार करती है मोर देन मी मुझसे ज्यादा, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर निकला कि शी लव्स यू मोर देन शी लव्स मी, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला भी करेक्ट होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर लिखते हैं शी लव्स यू मोर देन आई, तो वो भी करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना शी, शी ये नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, और शी और आई दोनों ही हैं नॉमिनेटिव केस, और ऑब्जेक्ट तो इनमें सिर्फ क्या है, यू है, ठीक है, तो इस वाक्य का मीनिंग क्या होगा, शी लव्स यू मोर देन आई, ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन में एरर पुटअप किए जाते हैं। अब ये ध्यान देने की बात है, शी लव्स यू मोर देन मी भी करेक्ट होगा, और अगर इस सेंटेंस में हम यहाँ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यू दिया हुआ है ना, और अगर ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, नॉमिनेटिव केस यूज करते हैं, क्योंकि आई भी नॉमिनेटिव केस है, शी लव्स यू मोर देन आई, तो वो भी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द क्वेश्चन इज, द फाइव ब्रदर्स आर एट डेगर्स ड्रॉन, सो दे फील इट बिलो दियर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर. ठीक है, अब सेंटेंस को रीड करेंगे ध्यान से कि द फाइव ब्रदर्स की बात हुई है. ठीक है, क्या है, आर एट डेगर्स ड्रॉन. ठीक है, फाइव ब्रदर्स डेगर्स ड्रॉन है इसीलिए फील करते हैं बिलो दियर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर. ईच अदर बात करने में एक दूसरे से अपनी जो डिग्निटी है उसको कम समझते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अब ध्यान देंगे ईच अदर, प्रत्येक प्रत्येक, ईच अदर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, वन अनदर होगा, क्योंकि जब भी टू पर्सन और थिंग्स के लिए, ठीक है, टू पर्सन और थिंग की बात करते हैं तो वहां पर ईच अदर नहीं होता है, क्या होता है, वन अनदर का यूज होता है. ठीक है, समझ में आया. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, वन अनदर, की फाइव ब्रदर्स आर ए डेगर्स ड्रॉन सो दे फील इट बिलो दियर डिग्निटी टू टॉक टू वन अनदर. ठीक है, जब भी क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा के लिए, दो पर्सन या दो थिंग्स के लिए वन अनदर का यूज किया जाता है, और अगर दो या दो से ज्यादा की बात की जाए तो वहां पर ईच आ जाएगा, है ना, ईच अनदर. तो इसका आंसर होगा वन अनदर. ठीक है, वन अनदर, यस. आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट चलते हैं. वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, नो एरर. ठीक है, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड. लेट मी चेक दिस वर्ड. वर्ड ही नहीं है, वर्ड है ना, ये यहाँ पर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, तो ये वर्ड ही नहीं है. वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, नो एरर. ओके, तो ये जो सेंटेंस है, वन शुड, वन का यूज हुआ है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था टीजी में. वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड, अब यहाँ पर वन दे दिया गया है. एक बात का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के रूप में जो हम यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट वन यूज हुआ है ना, तो उसमें क्या होगा, वन का, वन शुड बी ट्रू टू हिज नहीं होगा, हिज के बदले क्या होगा, वंस का यूज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे वन का यूज हुआ है ना. तो यहाँ पर पीपल इन जनरल का हमें नॉलेज मिलती है. ठीक है, लाइक वन का पजेसिव वंस है ना, और रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ है, तो वन के लिए वन ही आएगा, वंस ही आएगा. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसके बदले हम वंस का यूज करेंगे, वंस, क्योंकि वन का जो रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ और पजेसिव क्या होता है, वंस होता है. ठीक है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, अगर ही है तो हिज, है ना, इस तरह से, ये आप जानते हैं. तो ये इजी सा क्वेश्चन, ठीक है, टीजीटी के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं. वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस. ठीक है, वन शुड कीप हिज प्रोमिसेस नहीं आएगा, क्या राइट होगा, वंस प्रोमिसेस, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है उसका पजेसिव ही उसके साथ यूज किया जाता है, वन वंस ही हिज, है ना, इस तरह से यूज करते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं. एवरीबडी शुड कीप हिज प्रोमिसेस, इसका मतलब है ये, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस की मतलब हर एक एक को एक दूसरे का प्रोमिस रखना चाहिए, इस तरह से. ठीक है, इसका मीनिंग है ये. आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक है, ये जो एरर्स हैं आप इनको ध्यान से रीड करेंगे. ओके, प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाए जाएंगे, उसके लिए आपको वीडियो को, न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए.